आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित तेलंगाना राज्य में अनंतपुर और कुरनूल जिलों को मिलाकर रायल तेलंगाना बनाने के प्रयासों के विरोध में बुधवार को तेलंगाना क्षेत्र में धरने और रैलियां की गई। तेलंगाना राष्ट्र समिति का कहना है कि अगर केंद्र सरकार ने प्रस्तावित रायल तेलंगाना पर आगे कार्यवाही शुरू की तो वे नए सिरे से आंदोलन शुरू करेंगे। टीआरएस कांग्रेस कार्य समिति की 30 जुलाई को हुई बैठक में किए गए फैसले के अनुरूप ही तेलंगाना राज्य का गठन चाहती है। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर ने कहा है कि यौन उत्पीड़न मामले में फंसे तरुण तेजपाल के खिलाफ एक या डेढ़ महीने में आरोप पत्र दायर कर दिया जाएगा। उधर गोवा पुलिस ने मामले में पत्रिका के पूर्व प्रबंध संपादक सोमा चौधरी और तीन अन्य गवाहों की एक मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराने की तैयारियां शुरू कर दी है और इसके लिए अदालत से अनुमति मांगी है। गौरतलब है कि तेजपाल को एक सहकर्मी के यौन उत्पीड़न के मामले में शनिवार को गिरफ्तार किया गया था और वे तभी से पुलिस की हिरासत में हैं। कर्नाटक विधानसभा ने बुधवार को एक आवश्यक सेवा अधिनियम यानी एस्मा विधेयक पारित कर दिया। इसके तहत आवश्यक सेवाएं मुहैया कराने वाले आंदोलनकारी सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का प्रावधान है। विपक्ष ने सरकार से यह विधेयक वापस लेने को कहा। उनका कहना था कि इससे पुलिस को व्यापक अधिकार मिल जाएंगे जिसका दुरुपयोग हो सकता है। मणिपुर में बुधवार को तलाशी अभियान के दौरान 11 उग्रवादी गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने बताया कि 5 उग्रवादियों में 2 महिलाएं हैं। इन्हें भारत म्यांमार सीमा पार के पास चंदेल जिले के खुदेंग तबी इलाके से पकड़ा गया। सुरक्षा बलों ने इनसे 5 M16 राइफलें भी बरामद की हैं। नेवी चीफ एडमिरल डी के जोशी ने युवाओं को फौज में भर्ती होने का न्योता दिया है। नौसेना दिवस के मौके पर नौसेना प्रमुख के साथ साथ वायुसेना प्रमुख और उपसेना प्रमुख ने आज अमर जवान ज्योति पर शहीदों को नमन किया। इसी दिन 1971 में भारत ने पाकिस्तान के साथ जंग में कराची बंदरगाह की लड़ाई में बड़ी कामयाबी हासिल की थी। बुधवार को बाजार में गिरावट का रुख रहा। सेंसेक्स 146 अंक के गिरावट के साथ 20,708 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 41 अंक गिरकर 6,161 के स्तर पर बंद हुआ है।